बंगाली से लापता श्रमिक अजित दुबे का शव विंध्यनगर एनटीपीसी प्लांट स्टेज 2 कूलिंग टावर के नीचे एक नाली से आज 6वें दिन बरामद किया है। बता दें कि विंध्यनगर एनटीपीसी प्लांट के स्टेज 4 में कार्य कर रही स्टार इलेक्ट्रिकल्स में रीडिंग डाटा फीडिंग का कार्य करता श्रमिक 28 वर्षीय अजित 9 अक्टूबर की रात रहस्यमय ढंग से ड्यूटी के दरमियान गायब हो गया। पुलिस प्रशासन, सीआईएसएफ जवान, पुलिस अधिकारियों की खोजबीन पर एनटीपीसी प्लांट स्टेज 2 के नाली में श्रमिक का शव मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर करते हुए एनटीपीसी प्रबंधन पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया है। विंध्यनगर गेट पर भारी संख्या में एकत्रित लोगों ने एनटीपीसी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मृतक के परिजनों को एक स्थायी नौकरी एवं 50 लाख आर्थिक सहायता राशि देने की मांग की है। मृतक श्रमिक के भाई सुजित का कहना है कि मेरा भाई अजित दुबे स्टेज 4 में कार्य करता था, स्टेज 2 में कैसे पहुंचा? मृतक कभी गमछा लेकर नहीं चलता था, उसके गले में गमछा कहां से आया? मृतक के सर पर चोट के निशान है। मृतक के भाई यह तमाम अनसुलझे सवाल पुलिस के लिए समस्या खड़ी कर दी है। हालांकि पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है और जांच लोगों की व्यवस्थाएं देख रहा हूं, कैसे कैसे में लेके जाते थे आते थे। हमें आशा था कि मिल सकता है, क्योंकि एनटीपीसी पर हमें पूरा भरोसा था कि एनटीपीसी कैंपस से बाहर कभी जा ही नहीं सकता। ये लोग बोलते थे कि नहीं, मतलब उसका मर्डर भी नहीं हो सकता भाई, एनटीपीसी में इस तरह का कभी हुआ नहीं। हम कैसे किए हैं हम नहीं जानते हैं। हमारे भाई, मैंने एनटीपीसी में जब वो ड्यूटी करने गया लौटा नहीं वापस, तो हम लोग खोजे, क्योंकि हमें पूरा भरोसा था कि वो अभी जिंदा है, क्योंकि एनटीपीसी के अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज जब इतनी फोर्स कट, हम खोजने के चक्कर में कहीं ना कहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो बाहर भाग नहीं सकता, तो होगा कहीं ना कहीं। और गलत तरह की फीलिंग आ नहीं रही थी हमारे ऊपर, क्योंकि वो एनटीपीसी की इतनी व्यवस्थाएँ हैं। जब आज इतनी फोर्स इकट्ठा होने लगी, तो हमने सोचा कि आज हो सकता है ज्ञापन का असर है, तो लोग इसलिए सभी इतना फोर्स इकट्ठा हो रही है। लेकिन जब वहाँ ने जाके देखा तो बोले कि सुजीत ये देखो एक बॉडी पड़ी हुई है, ये उसी की है शर्ट। हमने बोला कि हाँ सर, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे 5-6 दिन पहले ही सब पूरा इसकी बॉडी पड़ी हुई है। बोले कि देखो यही है। हम तुरंत बोले कि सर ये मर्डर कर दिया गया है इसका। जब हम उसको देखे इस तरह का, तो गमछा उसका लपेटा हुआ है, तब हमें पूरी तरह से हो गया कि इसका मर्डर किया हुआ है। बाकी जहाँ पे ये बैठता था वहाँ पे उसका बकायदे टोपी यानी हेलमेट और उसका पर्स, मोबाइल, सारा कुछ रखा हुआ है। तो ये मतलब रख के प्री प्लानिंग के तहत काम किया गया है। ये जिम्मेदारी एनटीपीसी प्रबंधन की है कि वो की है, कराई है, वो मैं नहीं जानता हूँ। मैं स्टेटमेंट उसके बारे में नहीं दे सकता। वो न्यायालय का काम है, और मेरे न्यायपालिका का काम है या प्रशासन का काम है, वो कैसे करेगा? ठीक है, परिवार है, भाई हैं आप, उनके क्या चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं कि पुलिस से मदद मिलता है आपको, एनटीपीसी से मदद मिलता है? एनटीपीसी से मदद मिलता तो यही हाल होता। हमें एनटीपीसी पे पूरा सिकवा शिकायत है। मुझे एनटीपीसी के अंदर मेरे भाई को जब ड्यूटी करने गया तो प्लांट उसके अंदर मिला था, और वो कैनाल के अंदर फंसा हुआ था, और उसकी बॉडी जो है डिकम्पोज होकर के फूल गई थी। अब उसको पीएम कराया है, 5 डॉक्टरों की भी टीम ने पीएम किया है, फीवर वोन और उसका जो इसरा है जब्त किया गया है। अब जांच चल रही है रिपोर्ट आने के बाद, और जो भी परिस्थिति जन साक्ष्य है उसके आधार पर आगे भी विवेचना की जाएगी। 5 दिन बाद परिवार का कहना था कि 5 दिन का समय लग गया, काफ़ी टाइम लग गया, आखिर उसी जगह पर शव मिला, इतना देरी क्यों हो गया परिवार वालों का कहना? बॉडी पानी के अंदर थी और डिकम्पोज होकर के जब ऊपर आई तब समझ में आया। सर्चिंग तो हम 5 दिन से ही करा रहे थे, और एनटीपीसी का कैंपस बहुत बड़ा है और उसमें बहुत से संयंत्र लगे हुए हैं, इस वजह से जल्दी विलम्ब हुआ। सर शख्स गायब था जिस तरीके से ड्यूटी के, ऑन ड्यूटी गायब हुआ, वो पंप ऑपरेटर था, जाहिर सी बात है रिपोर्ट उसने नहीं दिया था, समय पर रिपोर्ट नहीं मिला। वरिष्ठ अधिकारी रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्टर रहे होंगे, जो भी हो रहे होंगे, तो क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया? यानी एनटीपीसी अपने हाल पे चलता रहा पूरी रात? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो है और भी लोग कंट्रोल रूम में थे, एक कंट्रोल रूम इनके पास था, और वो पूरा सिस्टम जो है कंप्यूटर से चलता है, और केवल इनको व्हाट्सएप में ग्रुप में अपनी रिपोर्टिंग करना होता है। अब जब 3 बजे जो हाउसकीपिंग वाला आया, उसके वजह से उसके बाद इनको जानकारी हुई कि ये व्यक्ति जो है मिस है, और वहाँ पे अपने केबिन में उपस्थित नहीं है।
उसके बाद उसकी सर्चिंग चालू। आप लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, लगातार प्रयास कर रहे हैं, आपके दृष्टिकोण से क्या लगता है क्या रहा होगा इस घटना को? अब ये जांच का विषय है, पीएम रिपोर्ट आने दीजिए, पीएम रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद निर्णय लिया जाएगा क्या होगा।